दोस्तों इंडिया वीक्स बढ़ाए हैं, तब तब बायर का धड़कन बढ़ा है। और लिटरली अभी जो इंडिया वीक्स आज के दिन ब्रेकआउट दिया है, ये इस पूरे हफ्ते, ये अगले हफ्ते के लिए खतरे से कम नहीं है। और अगर आपने फ्री वाले ग्रुप पे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि लिटरली भाई वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाए लेकिन प्रॉफिट यहां पे बढ़ता ही रहता है। जैसे कल के दिन क्लियरली बता दिया था 47,822 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है बोल के, और लिटरली ये लाइव मार्केट में बोला था यार 1054 पे। और जैसे ही ब्रेक डाउन किया दोस्तों, कंटिन्यूअसली डाउनफॉल का स्लाइड स्मूथ मूव दे दिया। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। इवन आज के दिन भी लेवल डॉट टू डॉट काम दिया है, जो लेवल मैंने मार्केट खुलने से पहले दिया था, ब्रेकआउट करके सारे टारगेट हिट हुआ है। और जैसे टारगेट हिट हुआ वहां से ही बाउंस बैक किया है। तो यार जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों मंडे के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या होने वाला है देखने वाले हैं। उसके साथ साथ इंडिया वीक्स का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आगे जाके मार्केट फॉल हो सकता है। बहुत कुछ आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। इंडिया वीक्स का एनालिसिस भी करेंगे कि जब जब बढ़ा है तब तब मार्केट क्या हुआ है, सब कुछ डीप एनालिसिस रहेगा, अलग रहेगा मेरे भाई वीडियो आज का। तो प्लीज 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 आज के वीडियो डिजर्व करता है दोस्तों 100 लाइक, बस 100 लाइक मांगता हूं आपको और कुछ नहीं। और अगर आप पूछोगे वेट ए मिनट, उस दिन तो यार मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, अब वो वीडियो कहां गया मेरे भाई? यही तो दिक्कत होता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं मिड कैप निफ्टी का वीडियो डाल चुका हूं। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो, ये वीडियो खत्म होने के बाद ही जाके देखिए, डेली 2 वीडियो मेरा आता है, ये सेकंड वीडियो है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों इंडियन वीक से हम चालू करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अलग रहेगा, 2 मिनट 1 मिनट दे दीजिए अलग सा और कुछ नहीं। और हाँ, जो भी आपने कॉल पुट लिया है ना, कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आराम से रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों मंडे सुबह 8:45 के बाद। तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए इंडिया वीक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं डीपली समझाने जाऊं आधे घंटे का वीडियो भी बना सकता हूं, बट एक सीधी सिंपल सी बात है। देखिए इंडिया वीक्स मतलब वीक्स जो है वो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों, एक चीज आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे, जब जब वीक्स बढ़ा है ना तब तक मार्केट में फॉल हुआ है दोस्तों। जब जब वीक्स बढ़ता है तो मार्केट में एक तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, देखिए अगर आप देखोगे पिछले 2-3 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं अगर आप, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लाइक एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों इंडियन वीक्स का, तो कहीं ना कहीं इंडियन वीक्स डाउन था। अगर आप देखोगे 12, 11, 10 तक चलाया था, 9 तक चलाया था लो, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान हो गए जब मार्केट साइडवेज था और कहीं ना कहीं ऑप्शन का प्रीमियम अच्छे से बढ़ता नहीं था, मूव नहीं दे रहा था। तो सीधी सीधी बात है कि भाई इंडियन वीक्स अगर डाउन होता है और साइडवेज रहता है ना, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट भी उस टाइप का साइडवेज रहता है और ऑप्शन बायर के लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता नहीं है। लेकिन जब जब इंडियन वीक्स आपको बढ़ता हुआ दिखा तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और 90% टाइम कहीं ना कहीं मार्केट डाउनफॉल होता है। अगर आप देखोगे कोरोना के टाइम, आप खुद देखिए दोस्तों इंडियन वीक्स कहां तक पहुंच गया था, 85 पहुंच गया था, क्रेश आ गया था। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज होना चालू हुआ, इंडियन वीक्स पूरे डाउन हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया। और आप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे, जब जब इंडियन वीक्स बढ़ा है ये डेट सब काउंट करेंगे दोस्तों इस हफ्ते, तब तब सब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गिरा है। इवन अभी भी देख लीजिए इंडियन वीक्स कहीं ना कहीं ये पूरे हफ्ते बढ़ता हुआ दिखा तो मार्केट कहीं ना कहीं गिरा, उसके पिछले हफ्ते भी। तो 2 हफ्ते से इंडियन वीक्स बढ़ रहा है और इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई खतरे की निशानी तो आप कह सकते हैं। इवन एक ब्रेकआउट भी छोटा सा दे चुका है दोस्तों। तो सीधी सिंपल सी बात है, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेयरिश की तरफ झुकाव तो दिखा ही रहा है। अब चले जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस से, सीधे स्टार्ट करते हैं। इंडियन वीक्स समझ में आ गया आपको? अब बैंक निफ्टी की अगर मैं प्लान बताऊं मंडे से, तो प्लान नंबर ए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट या फिर लिटिल गैप डाउन खुला, ओके, उसके बाद अगर 47,313 अगर ब्रेकडाउन आपको करता हुआ दिखा, तो डेफिनेटली जैसे इंडियन वीक्स भी थोड़ा कहीं ना कहीं साइन दे चुका है, तो हम पुट के तरफ ही अगेन जाएंगे और ट्रेंड के साथ ही रहेंगे। सिंपल रीजन है दोस्तों इसके पीछे, अगर आप पीछे जाके थोड़े से देखेंगे तो ये प्रॉपर 47,313 आज के दिन के लिए सपोर्ट है। इवन आज के दिन इसी जोन से कहीं ना कहीं 2 बार आपने आपको सस्टेन किया है, तो बैंक निफ्टी का ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है दोस्तों 47,313। अगर इस लेवल के नीचे आने लगता है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पुट के तरफ जाएंगे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया प्लान नंबर ए, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन है,
कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। आज ऊपर तो गया था लेकिन आखिरी आखिरी टाइम पे कहीं ना कहीं जो सेकंड हाफ का मोमेंट था दोस्तों वो डाउन की तरफ था। तो सिंपल बात है, इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा तो 47,313 कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेगा तो हम पुट की तरफ जाएंगे। क्लियर है पूरे के पूरे। अब प्लान बी पे जाते हैं। प्लान बी ये है कि दोस्तों अगर लाइक मार्केट फ्लेट या फिर लिटिल गैप अप खुलता है एंड देन 47,598 अगर ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जाएंगे। 47,598 ओके, इस लेवल को आप ध्यान से देखिए और नोट करके भी रख लीजिए। इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन सिंपल है, एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया दोस्तों एंड देन डाउनफॉल का मोमेंटम, दूसरी बार ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन डाउनफॉल का मोमेंटम। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बैंक निफ्टी को। और दूसरी बात क्या है, 47,598 के ऊपर जो मैंने बाय के लिए दिया, दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये प्रॉपर आप देख रहे हैं कि एक सपोर्ट था, आज के दिन ही ये सपोर्ट टूटा फिर ऊपर गया, प्रॉपर यहां पे रेजिस्टेंस लिया एंड देन नीचे आ गया। तो सीधी सिंपल सी बात है, 47,598 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हम बाय करेंगे क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी टूटेगा उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी टूटेगा। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे। प्लान नंबर सी पे जाते हैं, बहुत सिंपल प्लान है। प्लान नंबर सी दोस्तों, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ओनली एंड ओनली हम सेल के बारे में ही सोचेंगे। इसके पीछे सिंपल रीजन है, पहला है दोस्तों ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ झुका, दूसरा रीजन है दोस्तों ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे प्रॉपर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मतलब हर एक छोटे से छोटे लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट होते जा रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट होते जा रहे हैं, सो गैप अप खुलेगा तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ आने का जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा रीजन ये है कि जितने भी यहां पे कॉल बाय करके गए होंगे कि भाई यहां पे कहीं ना कहीं डबल टॉप तो बन चुका है, शायद मार्केट मंडे गैप अप खुल सकता है, इतना गिर चुका है तो और कितना गिरेगा, 7 दिन तो लगातार 7-8 दिन से लगातार रेड कैंडल मारे जा रहे हैं, तो अगर मंडे के दिन गैप अप खुल गया ना तो जितने भी लोग यहां पे कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन को बाय करके गए होंगे डेफिनेटली वो अपना बाय पोजीशन एग्जिट करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। सो गैप अप अगर खुला दोस्तों तो एम पैटर्न बनते ही सेल, लोअर लो बनते ही सेल, लोअर लो प्राइस सेक्शन बनते हैं या फिर एक रेंज में रहा तो सेल। और जो मैं पैटर्न बताता हूं दोस्तों, अगर गैप अप खुल गया पहला 5 मिनट कैंडल का अगर लो टूट गया तो भी सेल, तो हर तरफ से हम सेल की तरफ ही सोचेंगे अगर गैप अप खुल गया तो। क्लियर हो गया। और प्लान नंबर डी ये है दोस्तों, अगर गैप डाउन खुला तब जाके डब्ल्यू पैटर्न या फिर हायर हाई बनते ही हम बाय करेंगे, अगर गैप डाउन खुला तो। गैप डाउन के लाइक गैप डाउन अगर नहीं खुला, क्योंकि देखिए गैप डाउन खुल जाएगा तो क्या होगा कि इतना बड़ा सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है कंटिन्यूसली, सो अगर गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली जितने भी लोग यहां पे सब पुट बाय करके जा रहे हैं या फिर कॉल को सेल करके भी जा रहे हैं ना, डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो डब्ल्यू पैटर्न या फिर हायर हाई बनते हैं बाय एंड नीचे सपोर्ट भी है। क्लियर हो गया पूरे के पूरे। 47,440 पे क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों ये हमारे कॉल राइटर है, हमारे पुट राइटर एंड 47,400 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया है। तो यहां पे ओके रीचेक कर लेते हैं, परफेक्ट सही बताया मैंने। तो 47,500 पे ही 8,56,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, यही रेजिस्टेंस लेवल बनता है। उसके ऊपर तो अगर आप देखोगे 4 लाख 2 लाख 5 लाख कॉल राइटर हैं, तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 47,500 के लेवल पे हैं। सो 47,500 अब हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों डाउन का तो यहां पे अगर आप देखोगे कुछ खास कहीं ना कहीं पुट राइटर दिखाई दे नहीं रहे हैं, कोई भी लेवल पे कन्विक्शन है नहीं, बस 47,400 के लेवल पे 3,70,000 पुट राइटर हैं। अगर 47,400 टूट गया ना तो कहीं ना कहीं हम अगेन डाउन की तरफ ही जाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको आज का डे का लो। क्लियर हो गया पूरे के पूरे। अब चले जाते हैं दोस्तों भाई निफ्टी पे। निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सीधी सिंपल सी बात है, 5 मिनट टाइम फ्रेम हम कर लेते हैं भाई, यहां पे एनालिसिस क्रिप्स रहता है, क्लियर रहता है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, पहला प्लान मैं आपको बता देता हूं। पहला प्लान है अगर फ्लेट खुला साइडवेज रहा इस जोन पे और 22,014 ये लेवल अगर टूट जाता है तो हम पुट के तरफ जाएंगे। 22,014 के नीचे हम पुट के तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके पीछे दोस्तों रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन सिंपल है, अगर आप देखोगे एक बार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन टच किया, बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम, दूसरी बार दोस्तों ट्रेंड लाइन टच किया, बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम। सो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो वैसे भी ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं ट्रेंड तो डाउन ही है थोड़ा सा,
वनडे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड का कहीं ना कहीं झुकाव आपको नीचे की तरफ दिखेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आखिरी जो स्विंग है, अगर आप देखोगे डिप एंड अप, डिप एंड अप, तो ये जो स्विंग है दोस्तों, सो ट्रेंड लाइन टूटेगा उसके साथ ये स्विंग के नीचे आएगा 22,014 के नीचे, तो डेफिनेटली हम पुट के तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों पहला व्यू। प्लान नंबर बी अगर मैं बताऊं थोड़ा अलग है, ये मैं बाइंग के बारे में नहीं बोलूंगा आपको। प्लान नंबर बी है कि अगर फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला ऊपर गया और 22,122 से 22,130 इसी जोन से एम पैटर्न अगर बनता हुआ आपको दिखा, पुट बाय कर सकते हैं। इसी जोन को टच किया, लोअर लो बनता हुआ दिखा, पुट बाय कर सकते हैं। इसी जोन को टच किया, यहां से कोई भी आपको बेरिश कैंडल बनता हुआ दिखा, तो कहीं ना कहीं आप पुट बाय कर सकते हैं, यानी कि सेल के तरफ जाएंगे। सिंपल रीजन है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे 22,122 से 22,130 प्रॉपर एक सपोर्ट था। कल के दिन ये सपोर्ट टूट गया तो आज के दिन यहां पे रेजिस्टेंस बना और फिर मार्केट यहां से नीचे गिरा। और आप बिलीव भी अगर नहीं कर रहे हैं ना, झूठ क्यों बोलूंगा आपको, ये जो 22,130 का लेवल ही मैं पहले ही आपने फ्री वाले ग्रुप पे बता दिया था दोस्तों, आप क्लियरली जाके मेरा निफ्टी का मॉर्निंग चेक कर सकते हैं, 8 बजे भेजा था। देखिए 22,130, ये देखिए, ये ऑलरेडी मैं लेवल बता दिया था कि रेजिस्टेंस लेवल है। और डॉट अगर आप देखोगे वही मैंने एक्सप्लेन किया है आज के दिन कि निफ्टी ब्रेकआउट किया मेरे लेवल को, गया टारगेट मारा 22,130 और यहां से ही कहने के डाउन की तरफ चला आया। तो यार यही एनालिसिस रहता है जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि कितना सिंपल रहता है दोस्तों ये सब निकालना। तो 22,130 एक अभी भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, आज के दिन भी गिरा तो अगर मंडे के दिन टच करता है तो यहां से हम सेलिंग का ही प्लानिंग करेंगे। हाँ 22,130 के ऊपर जाएगा तो रिस्की रहेगा, बाय वगैरह कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बाकी प्लान सी प्लान डी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो सेल, एंड देन गैप डाउन खुला तो हम बाइंग की तरफ ही जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, 22,054 के आसपास क्लोज दिया है, अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। कॉल राइटर पुट राइटर एंड 22,054 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों 22,050 पे ही 7,49,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं, उसके ऊपर 22,100 पे अगर आप देखोगे 8,34,000 से ज्यादा कॉल राइटर। तो 22,100 के ऊपर अगर जाएगा ना तो ही जाके आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और नीचे की बात करूं तो 22,000 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मंडे के लिए, क्योंकि वहां पे 15 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो 22,000 के नीचे हम पुट की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया पूरे के पूरे, अब चले जाते हैं दोस्तों फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी भी अगर मैं बात करूं तो पहला व्यू दोस्तों फिन निफ्टी का फ्लैट लिटिल गैप डाउन खुला, साइडवेज हुआ, एंड देन 21,017 अगर ब्रेक डाउन कर देता है ना तो डेफिनेटली हम पुट के तरफ जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है दोस्तों इसी जोन से एक बार सपोर्ट लेना, रीजन है आज के दिन भी इसी जोन से सपोर्ट लेना, इसी जोन से बार बार कहीं ना कहीं ये जो आप जोन ही कह सकते हैं बट एक लेवल निकाल के मैं रखा हूं 21,017, बार बार इसी जोन से सपोर्ट लेके आपने आपको सस्टेन किया है फिन निफ्टी। तो अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो हम पुट के तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्लान बी का तो प्लान बी सिंपल है दोस्तों, अगर फ्लैट खुला साइड इज ओके 21,153 ब्रेकआउट किया तो कॉल की तरफ जाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है, एक बार ट्रेंड लाइन टच किया, दो बार टच किया एंड देन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी करेगा, उसके साथ साथ 21,153 एक जब एक सपोर्ट था वही सपोर्ट यहां पे रेजिस्टेंस बन के नीचे आया है। तो इसके नीचे अगर जाएगा तो हम बाइंग के तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे, और प्लान सी और प्लान डी तो सेम है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए और पहला वाला वीडियो जरूर जाके देखिए। सो थैंक यू सो मच, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा ख्याल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर बाय एंड सी यू।